दोस्तों, आखिर एपीजे अब्दुल कलाम सर को कौन नहीं जानता है। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे इंसान थे जो कभी हिंदू मुस्लिम में फर्क ही नहीं समझा, वो हिंदू मुस्लिम को एक ही मानते थे। दोस्तों, ऊपर वाले की शुक्रिया कि हम लोगों को एक और एपीजे अब्दुल कलाम मिल गए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खान सर की, जो पटना में खान जीएस रिसर्च कोचिंग सेंटर चलाते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर नया वीडियो आपको मिलती रहे। खान सर का जन्म गोरखपुर में हुआ था। इन्होंने 12 तक की पढ़ाई गोरखपुर से ही पूरी की है। उसके बाद ग्रेजुएट करने के लिए इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गए। खान सर अपने फाइनल ईयर में ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे। यहाँ पर स्टूडेंट के मांगों को पूरा करने के लिए खान सर 3 बार जेल भी जा चुके हैं। खान सर पटना में कोचिंग सेंटर चलाते हैं जिसका नाम खान जीएस रिसर्च सेंटर है। खान सर कभी भी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते हैं। खान सर अपना कोचिंग सेंटर में हर पर्व मनाते हैं, जैसे रक्षाबंधन, ईद, सरस्वती पूजा इत्यादि। खान सर पटना में ही एक गौशाला और एक अनाथ आश्रम चलाते हैं जिसका पूरा खर्च खुद ही उठाते हैं। खान सर के कोचिंग सेंटर में लगभग एक बैच में 1700 लड़के पढ़ते हैं। खान सर एक YouTube चैनल भी चलाते हैं जिस पर 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। खान सर के चाहने वाले के साथ साथ कुछ हेट करने वाले भी हैं, और हेट करने का मेन रीजन है खान सर का हर पर्व को मनाना। खान सर को कुछ लोगों ने कॉल करके धमकी भी दी थी कि तुम मुस्लिम हो और हिंदू का पर्व मत मनाओ, पर खान सर ने इनको इग्नोर करते हुए सारे पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते रहे। कुछ समय बाद उन्हीं लोगों ने खान सर के कोचिंग सेंटर पर बम से अटैक कर दिया और स्टाफों को पीटा गया। इतना कुछ होने के बाद भी खान सर कहते हैं, मरते दम तक हम विद्यार्थियों की सेवा करेंगे। यही बात मुझको खान सर में अच्छी लगी। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ इंसान होते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए।